कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कटघरे में खड़ा ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है, एक वैशी दरिंदा है, एक पापी है, जिसने एक भोली भाली लड़की को नीम की गोलियां देकर पहले उसे किडनैप किया और उसका बलात्कार किया। ये रहे कुछ सबूत माय लॉर्ड। ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त बिना किसी ठोस सबूत के एक बेगुनाह को पापी, अत्याचारी और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। मेरा इनसे सवाल है कि आपके लगाए इल्जामात को साबित करने के लिए आपके पास कोई भी एक विटनेस या प्रूफ है? आई हैव द विटनेसेस एंड प्रूफ योर ऑनर, प्लीज अलाउ मी। मेरे पहले गवाह हैं चरणदास। चरणदास जी, आप क्या करते हैं? सर मेरी मेडिकल की शॉप है। अच्छा, आप इस मुलजिम को जानते हैं? ऑब्जेक्शन जज साहब, मेरे क्लाइंट का जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट यू योर ऑनर टू गिव मी सम टाइम। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। चरणदास जी, आप कब से मुलजिम को जानते हैं? यही करीब 2 महीने से। कैसे? कॉन्डोम और नींद की दवाइयां लेने आता था। मैं इसे नहीं जानता जज साहब, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे जानता तक नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। चरणदास, आपको पता है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी ये नींद की दवाइयां देना कानूनन जुर्म है। लेकिन ये मेडिकल की पर्चियां लेकर आता था ना। दैट्स ऑल योर ऑनर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर रॉकी। आकाश, आप रॉकी को जानते हैं या इन्हें भी पहचानने से मना करेंगे? जानता हूं। रॉकी, आप मुलजिम को कैसे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं इसको। ये मेरे सेठ का भतीजा है और सेठ के साथ घर में रहता था, और इसकी वजह से सेठ ने अपनी औरत को छोड़ दिया। उनकी इज्जत पे हाथ डाला था इसने, यहां तक इसके बाप ने भी इसको अपना मानने से मना कर दिया। रॉकी, झूठ मत बोल कमीने। साइलेंस प्लीज। हाँ हाँ, इस अदालत में सब झूठ बोल रहे हैं, केवल आप राजा हरिश्चंद्र हैं। मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर जितेंद्र फ्रॉम हरियाणा। वो लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, मैंने इज्जत बचाने की कोशिश की, उसका सिलाई दिया, मेरी उंगली काट दी। जज साहब, ये चित्रा शक्ल से मासूम दिखता उतना है नहीं है, मेरे को बताते हुए भी शर्म आ रही है। मेरी मासूम भतीजी को बरगला के हरियाणा तक भगा के ले गया। प्रियंका के मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसे सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया है, हैरेसमेंट का केस है, और देखा जाए तो वो काफी हद तक सेक्सुअली एक्टिव ही है। क्या रेप की पुष्टि होती है उस मेडिकल रिपोर्ट से? जी सर। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह है मिस प्रियंका, वो गवाह जिस पर इस वैशी दरिंदे ने ज्यादती की है। प्रियंका, ये सामने जो लड़का खड़ा है आकाश शर्मा, उसे पहचानती हो? प्रियंका देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, जज साहिबा आपकी मदद करेंगे। जज स्पीक द ट्रुथ। इस लड़के ने मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया, मेरे ड्रिंक पे नींद की गोलियां डालकर मेरी इज्जत लूटी। और मेरा किडनैप भी किया। प्रियंका जी प्लीज रोइए मत। आकाश, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? प्रियंका जी, आप जा सकती हैं।
चल बाहर निकल चल। अबे मुन्ना थोड़ा जोर लगा दे, लगता है तेरे हाथों में जान ही नहीं है। शेख साहब बादाम खत्म जान भी खत्म है। ए भाई इसके बादाम का इंतजाम कर यार। अबे ये कौन आ गया वे जो हमसे बिना पूछे पानी पी रहा है? नया परिंदा है। ओ। प्यासा परिंदा है, पता नहीं कहाँ से उड़ के आया है, इसके बारे में पता कर बे। शेख साहब सुना है आपके नाम की सुपारी कट गई है। अबे ऐसी ना जाने कितनी सुपारी हम पान में डाल के चबा के थूक चुके हैं। समझा? अबे ऐसे कितने ही आए और चले गए। क्या है बे? क्या सोच रहा है बेटा? खाने पे गुस्सा नहीं करना चाहिए और खाने को बिना खाए नहीं छोड़ना चाहिए। ले खा ले, चल गुस्सा थूक दे। बेटा तूने मुझ पर एक कर्ज चढ़ा दिया है मेरी जान बचाकर, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं? इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ है? क्या बताऊं शेख साहब, मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो गए, मेरे प्यार ने मेरे खिलाफ गवाही दी, उसी की झूठी सजा काट रहा हूं। ले मेरे 2000। ले भाई मेरे 4000। चलो ये सोनू जल्दी खेलना है यार। अरे चल ना भाई। ले भाई 4000 और तू भी पैक कर ले, ना तो अगली बार माँ के जेवर बेचने पड़ेंगे। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा तू? मौके पर बोलेगा तू? कमीने तेरी, तो मैं मौके पर बोलेगा, मौके पर बोलेगा। छोड़ छोड़ आरामखोर, ओए भागो, लगा रखी है दुकान। अरे दुनिया की सारी बुराई तेरे अपने अंदर पाल ली, गांव के सारे निकम्मे निकले। इब तेरे पर बहुत उम्मीद थी बने कि मेरा छोरा मेरा नाम रोशन करेगा, बहुत बतेरा काम करेगा, लेकिन तू तो इस लायक ना है। तू तो त्रेड़ निकली त्रेड़, जो मकान पड़ जाने कोई काम की ना हो। सुन जी भाई साहब,
तू अपने साथ बंबई ले जाए से। मैं नहीं जाना वाला मारना छोड़कर, मैं नहीं जाता मुंबई। छोरा तू जवान होगा सा तने फोड़ूंगा मैं, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मुक्का मार मार के। चुप। खुश रहो माँ। आकाश कैसी लग रही है मुंबई? लो गैराज आ गया। अब भाई वहां पे रुकना। टन 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 तारा, टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। साला बंदर को आईना नहीं दिखाना चाहिए। ए रॉकी आ इधर आ। तो अरे चाचा जी आप आ गए, आता हूं। ये नौटंकी साला काम चार आने की नहीं करता और हिमाकत 12 आने की दिखाता है। चल पाने वगैरह रख और सामान निकाल। जी चाचा जी। पता है सेठ जी आपको क्या, जब आप नहीं होते हो ना तो आपका घर हो गैराज, माँ कसम भाई तो संभालता हूँ और अभी भी तो संभाल ही रहा हूँ। नमस्ते चाची जी। तुम आए? हाँ चाची जी। चलो चल छोड़ना। उठ। बैठ क्यों गया? थक गया चाचा जी। अबे उठ, इतनी दूर से थककर हम लोग आ रहे हैं और आकर तू बैठ रहा है। चाचा जी आप ट्रेन में बैठ के आए हो, ट्रेन के पीछे दौड़ के थोड़ी आए हो जो थक गए हो। चल कम बोल और गरज संभाल, खाली पड़ा है जा। सारे दुनिया भर की बेवकूफ मेरे गैराज में आ गए क्या? अबे ओए चाय पी के जाएगा क्या? हाँ। थोड़ी सी चाय मिल जाती तो। ए नौटंकी चल। आकाश यहाँ कैसे? अब आकाश भी हमारे साथ यही रहेगा। दरअसल क्या है कि खानदानी परंपराओं को तोड़कर इसका कॉलेज में एडमिशन करवाना है और फिर ये गैरेज में भी काम कर लेगा। क्यों नहीं, आपने तो एरोगारो को सहारा दिया है, ये तो फिर भी अपना खून है ना आकाश? ये 12 पत्र का पाना दे, शायद इसका चौक खराब था। अबे चालू कर गाड़ी। हाँ हाँ अभी स्टार्ट हुई। बाय चाचा जी। कहाँ जा रहा है? कॉलेज। रुक। अरे रॉकी हाँ, एक काम करे, आकाश को कॉलेज तक छोड़ और फिर सेठ जी को गाड़ी डिलीवर करके आना, ठीक है? जा बेटा। थैंक यू चाचा जी। इसी बीच चाचा अभी बताइए आप क्या करना है? भाई मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन रुक जाना चाहिए। देखो विक्रम, कानून हमें सीधा चलने की इजाजत देता है और हम तो भैया कानून को फॉलो करते हैं, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करते, इसीलिए तो पार्टी में हमारा इतना मान है। क्या है ना, अगर कानून तलवार है तो हमें मयान बन के रहना चाहिए, क्योंकि तलवार कितनी भी तेज क्यों ना हो मयान को नहीं काट सकती। सही है भाई। हाँ। कहाँ जा रही हो? कॉलेज? यस। अच्छा संभाल के गाड़ी चलाना। ओके। तुम्हें एक एक्सीडेंट की इजाजत है बस। अरे जिसको मर्जी ठोकना है ठोको, अभी तुम्हारा चाचू जिंदा है। ओके डैड, बाय बाय चाचू। इसी बीच चाचा ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और वहां मुझे एक लड़की मिली, प्रियंका, और मुझे उससे प्यार हो गया। हाय 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 हाय, ये नया लड़का? हाँ वो नया बॉयफ्रेंड। नया बॉयफ्रेंड
नाइस शर्ट। हेलो, ना ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अच्छा, और ना ही कुछ, ये मेरे ड्राइवर कम बॉडीगार्ड से ज्यादा है। बॉडीगार्ड। बाय द वे, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। सच में बॉडीगार्ड रख लो यार। क्या वो कहा तुमने? आपकी चाबी। ओ थैंक यू। कहीं इसे कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं मिल गया? अरे चल चल, बॉटनी का लेक्चर शुरू हो गया है, चल चलो चलो बॉटनी, चल चलो चलो। बॉयफ्रेंड है? तुम? हेलो मिस्टर, मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ? एक दो बार मैंने तुम्हें मुड़ के क्या देख लिया, तुम तो पीछे ही पड़ गए। सुनो, मेरी मर्जी के बगैर ना मुझे कोई देख भी नहीं सकता। हाँ? और तू है कि घूरे जा रहा है बड़ा आया घूरने वाला। ए हेलो, यहाँ पे तेरी दाल नहीं गलने वाली, समझा तू? तो फिर बॉटनी का लेक्चर छोड़ कर ना यहाँ क्या कर रही मेरे साथ? मुझे लगा तू यहाँ पे पढ़ाई करने आया है। मुझे लगा तू भी। मुझे पढ़ाई में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक। घर बैठे ना बोर हो जाती हूँ, तो बस टाइम पास करने कॉलेज आ जाती हूँ। और वैसे भी शादी के लिए मुझे लड़के की तलाश है। समझ, तेरी तलाश अब खत्म हो गई। तू है कौन? हाँ, अब तक तो कुछ ना था, तू चाहे तो। बेटा आज जितना बोलना है ना बोल ले, क्योंकि कल से ना वैसे भी मैं तुझे मिलने वाली नहीं हूँ। क्यों, तेरी शादी होने वाली है क्या? इडियट कहेगा। शिट। So boys and girls, today I'm going to teach you something very unique. क्या आप जानते हैं? क्या आप में से कोई भी बता सकता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स ए टू जेड मौजूद हों? सर। अच्छा, तो आप बताएंगे? नहीं सर, मैं आने की परमिशन मांग रहा हूँ सर। मैं आई कम इन सर? एक तो तुम लेट आए हो, उस पर से परमिशन भी मांगते हो। नो सर, आइंदा नहीं मांगूंगा सर। गो Go and take your seat. अरे वहां कहां जा रहे हो? इधर आओ, यहां बैठो मेरे पास। सर मेरी नजदीक की नजर कमजोर है, वहां से मुझे अच्छा दिखता है। गो गो फास्ट। हाय खुशाल। हाय। हाय। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? मैं ना पूरी रात सो नहीं पाई। तो क्या घर जाके सोने का सोच रही हो? You idiot! एक लड़की की फीलिंग्स भी नहीं समझ सकते? समझ सकता हूँ प्रियंका। बिल्कुल डफर हो तुम। लेकिन क्या बताऊँ? कौन है? मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। हाँ? तेरी? सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों किस विषय पर डिस्कस कर रहे थे? हाँ? प्याज की सर। प्याज लगी है? प्याज सर, ऑनियन, कांदा कांदा, उसके रेट ज्यादा बढ़ गए ना सर। ओ, प्याज? हाँ सर। प्याज से तो मैं भी बहुत दुखी हूँ। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। वो क्या है ना कि आजकल मेरी बीवी प्याज सैलेड में नहीं डालती है, और प्याज मुझे बहुत पसंद है। तो तुम लोग एक काम करो, बाहर जाओ और आराम से जाकर प्याज पर डिस्कशन करो, और अगर कोई सॉल्यूशन निकल जाए तब अंदर आना, नहीं निकले तो मत आना। सर लेकिन मेरी क्या गलती है? प्रियंका, व्हाट आई सेड आउट। बेवजह मुझे पसंद है।
तुम्हें इनविटेशन देनी पड़ेगी। नो सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल है? सर मेरा भी एक सवाल है। आउट। सर इसका भी एक सवाल है। बोथ आउट। किसी और का कोई सवाल है? सबका एक सवाल है सर। क्वेश्चन आंसर सेशन ओवर। डोंट बी स्मार्ट। अरे बात तो सुनो यार, एक बार बात तो सुन के जाओ। तेरी वजह से ना आज मुझे क्लास से निकाला गया, समझा तू? अरे सुनो ना, वो प्रोफेसर से अच्छा तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुमने हीर रांझा की स्टोरी सुनी है, कहानी सुनी है? तुझे एक बात सीरियसली बोल रही हूँ, तू मुझसे दूर रहा कर, समझा? दूर रहने का अभी कोई चांस ही नहीं है। तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। बात तो सुनो यार। अरे प्रियंका सुनो तो सही यार। प्रियंका रुको तो यार। क्या है? अरे प्रियंका सुनो तो यार। बोल। खैर तुम अपने आप को रोक सकती हो, मुझे तुमसे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। तू ना मेरे बाप को नहीं जानता, वो बहुत खतरनाक है। अगर उन्हें पता चला कि तू मुझसे प्यार करता है, हाँ? तेरा तो कीमा बना देंगे। और एक बात सुन ले, मेरा पीछा मत कर। व्हाट यू वांट? हाँ किस? व्हाट? मुझे नहीं यार, उधर देखो। व्हाट नॉनसेंस आर यू? ये जेट कहीं का? तो इसको मैं हाँ समझूं प्रियंका? चल पीछे, चल हट हट, चल टिकड़ा, चल ये जड़ो काय करता है, चल। ए रुको, ये तो नहीं आएगा, बोल ये तो नहीं आएगा, पीछे 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 पीछे। खंजर चले किसी पे तो तड़पते हैं हम, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। प्रभाकर हम सौदागर हैं, सितमगर नहीं। जानते हैं कि बाप के कंधे पर जवान बेटे की लाश का बोझ बहुत भारी होता है, पर क्या करें, बहुत समझाया इसको, समझाई नहीं। उम्मीद है तुम मानोगे और अपने दूसरे बेटे के बारे में सोचोगे, ठीक है? ये तुम्हारे लिए, आइंदा भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमारे पास आ जाओ। लो लो। चलो बातों को कान खोलकर समझ, अच्छी राय दे रहे हैं। चलो ड्राइवर। सच कहा तूने कि तू सौदागर है, मौत का सौदागर। पैसों के दम पे तूने मेरी असली दौलत छीन ली, अब इससे क्या होगा? मैं गरीब आदमी हूं, तेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर भगवान है ना तो वो इंसाफ जरूर करेगा।
बस पेट में हल्का सा दर्द था। वैसे तो एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल, फिर भी एक दो ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। या श्योर। और तुम बताओ तुम्हारा कॉलेज और फिर उसके बाद? वो ऐसा गिरा ना, पूछो मत, पूरा कॉलेज हंसने लग गया। मैं कमिंग कमिंग, सो रूड ना। थैंक यू, यू वेलकम। मेघा, एनीथिंग सीरियस? प्रियंका, तुम प्रेग्नेंट हो? व्हाट? साली रोज मुझसे झगड़ा करती है, दिन भर इधर उधर मेकअप करके घूमती फिरती रहती है। अरे इससे अच्छे तो चाचा भी नहीं करता। चाचा जी। हाँ बेटा। अरे उठिए, उठो चाचा जी। हाँ 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 हाँ, हूँ मैं हूँ, लेटिए आराम कीजिए। हाँ हाँ चाची, तुमको देखता हूँ तो मेरे पसीने छूट जाते हैं। क्या बात है, सब ठीक है? बेबी भी ओके है आपका? प्रियंका की तबीयत कैसी है अभी? प्रियंका ठीक है। आपको पता है कि प्रियंका प्रेग्नेंट है? क्या आप भी लीजिए? लाओ मुझे भी दो। हाँ लीजिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, वो आपके बिजनेस पार्टनर का जो बेटा जिसके साथ आपने प्रियंका की शादी तय की है, वो इस हफ्ते आने वाला था ना कनाडा से? आने वाला था क्या मतलब? आ जाएगा दो चार दिन में। तो फिर आप जल्दी से ना इन दोनों की शादी करवा दीजिए। सुषमा, क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक है ना? क्या होना है, जवान लड़की है और आजकल के हालात तो आप जानती ही हैं। अब ऐसे में जवान बेटी के माँ बाप को ही चिंता होगी ना? भाभी पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। दरअसल प्रियंका किसी लड़के से प्रियंका जवान लड़की यस डैड। हाँ तभी नहीं, आज से इसका घूमना फिरना कॉलेज जाना सब बंद। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती ये इसी कमरे में बंद रहेगी। हराम शादी, तुझे मालूम है अब इसके बाद उस लड़के का क्या होगा? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझी तू? चाची तुम चीज ही ऐसी हो चाची। चाचा क्या किया तूने चाची के साथ? मैंने क्या किया चाचा? बोल,
क्या किया तूने चाची के साथ? मैंने क्या किया चाचा? क्या किया तूने चाची के साथ? मैंने क्या किया? अरे चाचा बोलोगे मैंने किया क्या है? अपनी माँ समान चाची की इज्जत पे हाथ डालता है, हैं? मैंने कुछ नहीं किया चाचा। चल निकल चाचा, निकल यहाँ से। चाचा मेरे बात सुनिए, मेरा विश्वास कीजिए चाचा, चाची झूठ बोल रही है। बाहर निकल और वापस नहीं आना इधर। विक्रम, ये कौन है, कहाँ रहता है, किसकी औलाद है, मुझे कुछ नहीं जानना है। जी भाई। बस शाम तक इसकी मौत की खबर मिल जानी चाहिए मुझे। मिल जाएगी। डैड, चाचू, दरवाजा खोलिए। क्यों, क्या हुआ? ए भाई, इसको कहीं देखा है? हाँ, इतनी गली में रहता है। डैड को हम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया। मतलब हमारे पीछे वो गुंडे। चलो। ए रुक रुक रुक। मैं तो कहूं कि सुनामी देता है, गलती से भी ना। गौर से देख ले, इस मनुष्य की शकल ना दिखा दे। चुन्नो, भगवान जी, थारी आवाज आकाश जैसी हो गई, ये किस टाइप की आकाशवाणी है? चुन्नो मेरे भाई, कैसे हो तू? आ गया, ठीक है ना तू? हाँ। अरे बोली बुच गले नहीं मिलेगा गले इतने दिन बाद मिले तो आज ना ठंडक पड़ गई। तू आ गया, तने देख के ना मन में बहार सी आ गई।
नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बाहर से मना याद आया, थोड़ा एक चीज दिखाना चाहूंगे। देखिए। अरे ओए चुन्नू, चुन्नू घर में ना है, बाहर है, बाहर ढूंढ ले। सुन तो ले यार, बात तो सुन यार, देख मेरे साथ कौन आया है। चुन्नू का दरवाजा थारे वास्ते ना खुलेगा, चोर कहीं के। दफा हो जाए यहाँ से, शक्ल ना दिखा अपनी। भैया। हाँ भैया, दरवाजा खोलिए ना भैया, प्लीज दरवाजा खोलिए। छोरी, भैया भैया करे, शक्ल से तो अच्छे घर की लग रही, तू संस्कारी घर की लग गए है, तू ये फर्नीचर के चक्कर में कहाँ से पड़ गई। ए देख रहे छोरे, वो तो के है कि ये भैड़ जी ने भाई भाई बोल के मड़ा इमोशनल कर दिया। अब हाँ के करना है तने। अबे हट साले। साले घड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया तेरा है, देखो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अबे सपना चौधरी का प्रोग्राम देख क्या क्या सपने में है। अभी तूने इसको बहन बोला है ना। बोला है ना भैड़, तो बोला है। तो इसका भाई तो मेरा साला। तने घर का कलर विलर चेंज कर दिया यार, के बात है। घर का कलर तो चेंज कर दिया, लेकिन घर ना थारे से ज्यादा कलर चेंज ना करे है। शर्मा, वाह थारा छोरा मुंबई वाला, या बड़े मानस की छोरी लेके बाज गए। तुम ये क्या बोल रहे हो? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा छोरा मेरी छोरी को लेकर कहां गया है। सीधी तरह बताओ, नहीं तो पूरे गांव में आग लगा दूंगा। चूहों की तरह जल जाओगे सबके सब। तमने बेरा सर इंस्पेक्टर, आज तक हमने कोई ऐसा काम ना किया कि मारे खानदान की इज्जत और मारी इज्जत पर कोई दाग लगे। देखो साहब, किसी की भी छोरी क्यों ना हो, मैं गणी इज्जत करा हा। तम एक मिनट ठहरो, हट। ले गुठा लगा इसने, ले या मैंने लगा दिया, वो पकड़ो। खाली से ये दोनों गुट्ठे लगाए दिए, थारी मर्जी आओ सो लिखो। अगर हमारे छोरे ने ऐसी नीच हरकत की से ना, तो तुम जो चाहो वो करो उसके संग। ये समझ लो कि वो छोरा आज से हमारे लिए मर गया, उसका अंतिम संस्कार कर दूंगा मैं। अब तुम लोग जाओ जाओ जाओ। आकाश कितना सोगे तुम? आकाश आज से तुम्हें काम ढूंढने जाना था ना। आकाश उठो ना। उठो, नहीं उठोगे? सॉरी सॉरी। ताऊ कुछ काम दे इसको। अरे सर जी, काम चाहिए था। अरे भाई जी कुछ काम दे इसको। ना भाई ना, चल चल चल। अरे सुन तो, सिट यार, के करूं। अरे यार तुम लोगों को कितनी बार समझाया मैंने, कोई भी काम टाइम पे नहीं हो रहा है। ये जितने भी लोग हैं उन सबको बोला है ना, मुझे तो पूरा का पूरा गणित चाहिए, और अगर नहीं है तो उन सबको हटाओ। सर बोला मैंने उनको, और दे दिए 50 बोरी। सर यार राकेश, मैं कैसे समझाऊं तुमको, मेरे हिसाब में गणित हो रही है, कुछ काम कोई काम ठीक नहीं हो रहा है। सर से बात करो। नमस्कार सर। क्या सर, मैंने कुछ काम मिल सका सर? काम तो खूब है, पर तू कर लेगा क्या? कर लूंगा सर, कर लूंगा कर लूंगा सर। क्या नाम है? आकाश। ठीक है राकेश, लगा इसको भी काम पे। प्रियंका। ओ प्रियंका, आकाश क्या हुआ, क्या हुआ?
क्या हुआ? मुझे काम मिल गया, काम। सच्ची? ऊंची। ब्रेकर ब्रेकर, नाच रहा है, गा रहा है, बड़ा है? क्या हुआ, लॉटरी लगी के? अरे काम मिल गया, लॉटरी तो कम से गए। नहीं नहीं, अरे भाई ने काम, काम मिल गया मतलब। अरे बावड़ी पुलिस ने काम मिल गया। आकाश उठो ना, आकाश तुम्हें लेट हो रहा है, उठो ना। आकाश उठ जाओ ना, तुम्हें लेट हो रहा है ना। पांच मिनट बोलते बोलते पूरा एक घंटा हो गया, उठ जाओ ना। क्या हुआ क्या? एक बात बोलूं आकाश, मैं दिन भर अकेले घर पे रहकर बोर हो जाती हूँ। मैं सोच रही थी मैं भी काम कर लूं और इससे दो पैसे भी आ जाएंगे। जहाँ तुम काम करते हो वहाँ मेरे लिए काम की बात कर लो ना प्लीज। अगर पैसा ही बचाना है तो मैं ओवर टाइम कर लूंगा, लेकिन तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। प्लीज ना आकाश, मान जाओ ना, प्लीज 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 मान जाओ ना। अब इतना प्यार से कह रही हो तो मेरे पाप को भी मानना पड़ेगा। सर मना, आप तो बात करी थी ना काम खतर। प्रियंका यही है वो। नमस्ते सर। ठीक है, कल से इनको काम पे ले आना। थैंक यू सर। थैंक यू। शेयर करेंगे। भैया आप खाइए। अच्छी लगी। हेलो। हेलो विक्रम साहब, बोल रहा हूँ हरियाणा से। यहाँ प्रियंका एक लड़के के साथ घूम रही है और वो इस वक्त मेरे आंखों के सामने है सर। ए चुन्नू खाना। तो उनमें से किसी को जानता है? उनमें से एक यही रहता है और उसका नाम है चुन्नू। तो उन पे नजर रख, मैं आ रहा हूँ। भाई प्रियंका का पता चल गया है, वो हरियाणा में है। दूसरा काम नहीं है? अबे सुन, तेरे को मैं सुबह बोला था कि मेहताब भाई के यहाँ 50 बोरी धान भिजवा देना। सॉरी सर। और तुम इधर नैन मटका करो, जाओ ना पहले वो काम करो। चलो जाओ। हाँ, गाड़ी लेके जाओ। अभी जाता हूँ। ए छोकरी, तेरा बस दिन भर इधर उधर देखना है और कोई काम नहीं तेरा, इधर आ। न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आइए, अरे काम करो ना अपना, ध्यान किधर है? दिन भर काम नहीं करना, बस इधर उधर। हेलो फाइल रख के आओ। सॉरी सर। विक्रम साहब, वो वाला घर है, चुन्नू अभी अकेला है। हाँ भाई, कितनी बोरी होगी? 50 जी। चल ठीक से, मैनेजर के साइन लेकर। हाँ ठीक है जी। आकाश! आकाश!
रही है? अरे रुक, अरे कहाँ भाग रही है तू? आकाश, बच्चे भाग जाएंगे। आकाश, रुक, अरे रुक ना। प्रियंका, चाचू नहीं, चाचू प्लीज छोड़ो उसे, चाचू नहीं, आकाश नहीं, चाचू नहीं, छोड़ छोड़, नहीं चाचू, तेरे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाचू उसकी कोई गलती नहीं। अरे विक्रम साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी नौकरी का सवाल है, मैं इसलिए ऐसी सजा दूंगा ना, ये जिंदगी भर याद रखेगा। साला जिंदा नहीं बचना चाहिए, मारो साले को। चल, आज मैं तुझे बताता हूँ। चल, चल उतर, उतर, चल उतर, चल, चल उतर। शेखावत से भाग के सिर्फ मौत के पास जा सकते हैं। मंगल सूत्र। नहीं डैडी, 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 मेरी शादी हो चुकी। मैं इस गुट्टा गुट्टी की शादी को नहीं मानता। बहुत दर्द है तेरी कहानी में, मुझसे बाहर मिल तेरी लाइफ बना दूंगा। बाहर कैसे मिलूंगा शेख साहब, कोई मुझसे मिलने तक नहीं आता। तू फिक्र मत कर बेटा, कुछ ही दिनों में मेरी रिहाई होने वाली है और बहुत जल्द तू भी रिहा होगा। यह एक मुसलमान का वादा है। खोल। ये आकाश, चल, तेरे को साहब ने बुलाया है। ये आकाश, तेरे को साहब ने बुलाया है। जेलर साहब, बहुत नामी वकील हैं बत्रा साहब। ध्यान से देखिए जेलर साहब, सारे पेपर्स क्लियर हैं। ये लीजिए, पढ़ने का चश्मा दूं? शेख साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने बोला बस हो गया। और रही बात फॉर्मेलिटीज की, तो ये सब करना ही पड़ता है। जी जी साहब, ये लो। हा? आकाश, शेख साहब, ओए लाले दी जान, आजादी मुबारक हो। क्या कहा था मैंने? चलो, बाहर की दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू शेख साहब, थैंक यू। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी, खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकते, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में।
आकाश उठो ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। ओ उठो ना आकाश, मेरे ड्रिंक में नींद की गोलियां डालकर मेरी इज्जत लूटी। पहचाना, मैंने तुझे जेल से इसलिए नहीं निकाला कि तू इस तरह तड़प तड़प कर मरे। और किस्तों में क्यों मर रहा है? तू कहे तो मरने में तेरी मदद करूं। मार दो शेख साहब, एहसान होगा आपका। जेल में मैंने तेरी आंखों में एक आग देखी थी और मुझे लगा था कि इस आग से तू सारी दुनिया को जला देगा, लेकिन देख रहा हूं कि इस आग में तू खुद ही जल रहा है। जज्बात को बाहर निकाल, वरना घुट घुट के मर जाएगा तू। और गुस्सा अपने आप पे मत निकाल, उन पे निकाल जिसने तेरे साथ ना इंसाफी की है। पर कट गए, परवास बाकी है, उठ चल मेरे साथ। कितनी बार तुझे मना किया कि ये धंधा मत कर। ये ड्रग्स तेरा है? सच बोल, वरना जितना ड्रग्स तूने बेचा है उससे ज्यादा तेरा मुंह भर दूंगा। इस कमीने ने अपने फायदे के लिए हजारों नौजवानों को ड्रग्स का आदी बनाया। बोल बोल, ऐसे मौत के सौदागर को जीने का हक है जो नौजवानों को मौत बेचता है? तू बेकसूर था, तेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन तू अपने जैसे कई बेकसूरों को इंसाफ दिला सकता है। ये ले, मार डाल इस कमीने को जो नौजवानों को मौत बेच रहा है। मार डाल इसको जिसने कई माओं की उम्मीदों के चराग बुझाए, स्कूल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा इसने। शेख साहब, काम हो गया। इसे हॉस्पिटल ले जाओ। तुम लोग आपस में बांट लो और ये बाकी सारा पैसा दरगाह की चैरिटी ट्रस्ट को दे दो। और सुनो, सारा ड्रग्स जला डालो, ठीक है? शेख साहब, आप कुछ नहीं रखेंगे? Thank you.
बेबी। रानी इक्का इक्का। यस रानी बादशाह एक्का। ओ माय लकी चार्म। Oh, sorry, bro. और सब हार गए मैं। Baby. बस. नाम तो बताया ही नहीं तुम्हारा। निशा। और काश। वो लड़का तुम्हारा? नहीं कोई नहीं। तुम्हारी लाइफ में कोई और? ये जो मुझे कभी धोखा नहीं देती। नशा शराब में ही नहीं लोगों में भी होता है। ये है आपकी मेहनत। अच्छा है ना। अरे ये किसका बच्चा है? ये लड़की कौन है? ये निशा भाई की होने वाली घरवाली है। कितना प्यारा बच्चा। कितना प्यारा बच्चा। अरे क्या कर रहे हो ये? कितना प्यारा बच्चा है ना। रखो उनको। बोला था ना नीचे रखो, गंदा कर दिया ना तुमको। अरे बच्चा है ना। बेटा घरवाली और बाहरवाली में बहुत फर्क होता है, ये किसी भी एंगल से घरवाली नहीं लगती। बच्चा है ये। ये मेरा बच्चा है। पीछे
हमेशा। क्या हुआ? जब से तुमने उस बच्चे और उस लड़की को देखा है तब से थोड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हो। दिल आ गया क्या तुम्हारा? तुम मुझे सिर्फ कंपनी देती हो और मैं उसकी कीमत, महफिल की समा और घर का चिराग एक जैसे नहीं होते। महफिल की शमा है सही, पर तुम्हारी रातें तो रोशन करती हूं ना। जाने दो, हम उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं? तुमको तो पता ही है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। मुझे पता है तुम मुझसे कौन सा प्यार करती हो। जरूरत पूरी होगी तो तुझे सब समझ आ रहा है। हाँ, उस दो टके की लड़की के लिए तू मुझसे लड़ रहा है? आज वो कुतिया तुझे। चुप रहो, इससे पहले मैं भूल जाऊं कि तू एक लड़की है, निकल जाओ यहां से, इससे पहले मैं धक्के मार के बाहर निकल। आ ही गया ना दिल। प्रियंका थी ना वो जिसकी गोद में बच्चा था? तभी उसका नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे में बदलाव आ गया। पता किया मैंने, वो झुग्गी झोपड़ी में रहती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आकाश, फर्क पड़ता है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो ये जानने की कोशिश करता कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है जो कुछ तुमने देखा सुना या समझ रहे हो वो सब गलत हो। मैंने जो कुछ भी कहा उसे ठंडे दिमाग से सोचो। मेरी इबादत का टाइम हो गया। यही जानने के लिए कि इतने बड़े राजा की बेटी आज ये सब। और वैसे भी तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना, वो बच्चा। तुम तो खुश हो ना अब अपनी लाइफ में, जानते हो सच? डैडी मेरी शादी हो चुकी। मैं उस कुट्टी की शादी को नहीं मानता। शादी तो तेरी अब होगी। हम दोनों का अलग मत कीजिए डैडी, मत कीजिए प्लीज। विक्रम जी भाई, ये देख, जानती है ये कौन है? प्रकाश का बाप। अगर तूने वैसा नहीं किया जैसा मैंने कहा तो कल के अखबार में एक न्यूज पड़ेगी कि एक सिलेंडर के फटने से परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। प्रियंका, अगर तू चाहती है कि वो और उसके घर वाले जिंदा रहें तो तुझे मेरी बात माननी होगी। तुझे आकाश के खिलाफ गवाही देनी होगी। डैडी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। उन लोगों को प्लीज छोड़ दीजिए डैडी, प्लीज छोड़ दीजिए। मेरे ड्रिंक में नींद की गोलियां डालकर मेरी इज्जत लूटी। आप क्या भाई, जिसका जवान बेटा जेल में हो उसकी जिंदगी तो वैसे ही मौत से बदतर हो जाती है। तुम एक काम करो विक्रम, उस लड़के की पूरी फैमिली को इस जिंदगी से ही आजाद कर दो। नहीं डैडी, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चाचू प्लीज, नहीं चाचू, प्लीज चाचू, चाचू। चलो ड्राइवर। चाचू, डैडी तैयार नहीं हुई है अब तक।
बेटा। ओके। जहर तो बॉडी से निकाल दिया है, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन प्रियंका प्रेग्नेंट है सर। ये क्या बकवास कर रही हो? मर जाती तो गम नहीं होता, लेकिन अगर ये खबर बाहर गई तो शेखावत की इज्जत की धज्जे उड़ जाएंगी। डॉक्टर, बच्चा और माँ दोनों को खत्म कर दो। मगर सर, जितना कहा उतना कर। विक्रम, जाओ इसकी मदद करो। जाओ। हाँ भाई। प्रियंका। भाई, प्रियंका नहीं है। क्या हुआ? शायद उसने हमारी बातें सुन ली। उस दिन जो बच्चा रो रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा है। तुम्हारा। प्रियंका, क्या ये सच है? हाँ आकाश, वो बच्चा हमारा है, हम दोनों का। बेने, मेरा बच्चा। नीनी आ रही है आपको? चलो। क्या हुआ शेख साहब? आकाश, कुछ गलतियां इंसान को बर्बाद कर देती हैं। मेरा बेटा मुश्ताक, जिंदा दिल, सबकी आंखों का तारा। लेकिन वो कहते हैं ना, जो दूसरों के घरों को आग लगाते हैं, चिंगारी उनके हाथ को भी जला देती है। मैं दूसरों को मौत बेचा करता था और मौत ने कब मेरे घर में दस्तक दे दी मुझे पता ही नहीं चला। और जब पता चला तो बहुत देर हो गई थी। मुश्ताक भी नशे का आदी हो गया, मैं उसे बचा नहीं सका। इन्हीं हाथों में उसने दम तोड़ा। जवान बेटे की मौत का सदमा उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुजर गई। तब से मैंने ये काम नहीं किया और ना ही किसी को करने देता हूं। बेटा, मेरे पास जो कुछ था वही मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि मेरे पास कोई वजह नहीं थी। लेकिन तुम्हारे पास दो वजह हैं, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा। छोड़ दो ये सब, कुछ नहीं रखा इसमें, अपनी बीवी बच्चे की जिंदगी संवारो। जाओ बेटा। तो जैसा नकारा आदमी नहीं होता ना, तो आज मुझे ये सब नहीं करना पड़ रहा होता। साला दो कौड़ी का आदमी बीवी की कमाई खाता है। अच्छा खासा चल रहा था सब, आज घर तो बन ही जाता। पता नहीं वो बच्चा और लड़की कहां से आ गई, वरना आकाश तो मिल रही था। तुमने तुमने अभी नाम क्या लिया? क्या करना तेरे को? मेरी जान, गुस्सा छोड़ो और ये बताओ तुमने अभी नाम क्या लिया? आकाश। आकाश, उसकी फोटो है तुम्हारे पास? हाय मेरी जान, तुम्हारे इसी अंदाज पे तो फिदा हूं। बोलो। तुम्हारे पास फोटो है उसकी?
साला ये कब जेल से निकला? निशा, तुम्हारा आदमी नकारा नहीं है, तुम्हारा बदला बुरा होगा। हेलो विक्रम साहब, रॉकी बोल रहा हूँ, रॉकी। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं रॉकी। क्या ये लो? लो 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 सेक्सब, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा सेक्सब।
मेरे भाई दरवाजा तोड़ेगा क्या? अरे कौन है बे? कैसे ठोक? निशा तुम? अरे बता कर आना चाहिए था ना। ए रॉकी, मुझे फोन कर लेती। कौन है ये? बताया नहीं इसे? देखो निशा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो तुम समझ रही हो वो नहीं है। जैसे तुम कहीं जाती हो, वैसे मैं भी यहाँ। मेरे सामने तो तूने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई, और आज इसके साथ मिलके तू मेरे ही पैसों पे याशी कर रहा है, साले हरामखोर भड़वे। है? क्या बोल रही है? कौन सा पैसा? किस पैसे की बात कर रही है? ये मिस्टर की कमाई को तू कमाई कहती है? मैं फिक्स करता हूँ तुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तू दो गोली की पागल थी, तुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला मैं हूँ। पैसे की बात कर रही हरामखोर? मैं भले ही दूसरों के बिस्तर गरम करती हूँ, पर उसकी दलाली तू भी खाता है हरामखोर भड़वे। सामान को लगाम दे और ये भड़वाड़ो मत बोलना मुझे, समझी? आज अपनी रखेल की बाहों में बड़ा मर्द बना घूम रहे है। बेकार की बात पता है, चल निकल यहाँ से। यही ना तेरी रखेल? कुत्ती कमीनी, तू रखेल है। मैं तो एक के साथ सोती हूँ, तू तो हर रोज अलग अलग के साथ सोती है। क्या बोली तू? निशा तुम मुझसे बात कर। क्या बोली तू? रॉकी निकाल इसे। अब बोल क्या कर रही है निशा? पागल हो गई है? ये क्या कर रही तू? अरे निशा पागल हो गई क्या? गन छोड़, गन छोड़। तो जब देखो निशा, ये खिलौना नहीं है। भड़वे निशा, गलत बातें देख, गलत बातें चल जाएगी। नहीं गाली दी मेरे को। नहीं निशा, नहीं निशा, निशा नहीं। क्या हो गया मेरा बच्चा? क्या कर रही हो निशा? निशा मेरी जान। मैंने गोली नहीं चलाई। ये क्या कहनी निशा तुम्हें? गोली किसने चलाई? मैंने नहीं चलाई। मार दिया तुम इसको? मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। कुतिया बोला था तेरे को गोली चल जाएगी। छोड़ गन। गोली कैसे चल गई? निशा, मैंने नहीं मारा निशा, निशा, हाँ मैंने नहीं मारा। ये कैसे चल गई गोली? निशा, निशा, मैंने नहीं मारा निशा। क्या हो गया? हाँ गोली चल गई निशा, निशा गोली चल गई मुझसे। गंदो, हाँ ले जाओ इसे। अरे मैंने कुछ किया? मैंने कुछ किया? अरे मुझे छोड़ दो। मैंने नहीं मारा हिलमत साहब। अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो इस पर साहब, मुझे एम्बुलेंस का फोन करो। ए चल चल सीधा चल, हां चल ज्यादा शांतपति बाबा हिलमत बे। अरे आप लोग साइड हो, कैमरा कैमरा दूर करो, आप लोग कैमरा दूर करो। हटो हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ओ तू, ओ सीधा बैठ, सीधा बैठ तू। अरे रुक, अरे उसने उसने किया ये सब? उसने क्या किया? क्या उसका? हेलो दोतरे साहब, एक पॉलिटिशियन के घर पे रेड मारने की हिम्मत है आप में? ले 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 ले, विनय बेटा। साहब कौन बोल रहा है? आपका शुभ चिंता लगा दो। आपके घर पर रेड पड़ने वाली है। क्या क्या बकवास कर रहे हो? फोन काटो, फालतू बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं बकवास नहीं कर रहा, मेरा काम था आपको बताना, सो बता दिया। हेलो हेलो, सच तो नहीं है? अगर हुआ तो मेरे हजार करोड़। हाँ।
ए फसा। इसमें से आधा उठाओ और धोत्रे को फोन लगाओ। क्या? जैसा कि आप देख रहे हैं, सांसद शेखावत के घर पे 500 करोड़ रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं और वो अभी तक लापता है। पुलिस उन्हें लगातार ढूंढ रही है। देखते हैं कि सांसद शेखावत के मिलने पे अपना सपना मनी मनी। इतना थ्रिल क्यों क्रिएट कर रहा है? सीधे नहीं आ सकता क्या? हट! फोन निकाल, चल पीछे। हेलो, शेखावत बोल रहा हूं। देखो, मैं तुम लोगों को 1000 का 30% देने के लिए तैयार हूं। जानते हो 1000 का 30% कितना होता है? बंटे, विनय, बाबू, सचिन, विनय, ये लोग कहाँ चले गए? विनय को लेकर, विनय, विनय कहाँ है? विनय, हेलो, अपने बेटे को ढूंढ रहा है। तुमने मेरे फार्म हाउस पर रेट डालकर मेरे पैसे ले लिए ना? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। भाई, ओ लु 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 लु, ओ लु लु लु, ओ मेरा नाती। चंदा है तू, मेरा शूलज है तू, तू मेरी आंखों का ताला है तू। चंदा है तू, मिलो शूलज है तू। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये 500 करोड़ है, बाकी पैसे कार में। कार में तो लेके आ। मेरा बच्चा, पहले मेरे आदमी बेच। नहीं, पहले पैसा। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? साले नोट चलाएगा? पकड़, बच्चे को पकड़।
अभी बताता हूं। ये देख। अफसोस है कि तू मेरा बाप है। ए चल, ए मारो मारो सालों को। शिखावत से होशियारी करता है साले। अब मर। No!